is life. ये एक famous phrase है. I'm sure आप सबने कभी ना कभी जरूर सुना होगा. Students, human body में ना 60% water होता है. हम लोग बिना पानी के ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकते. सिर्फ हम ही क्यों, अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो फ्रेश वाटर के बिना सर्वाइव ही नहीं कर सकते. जानते हैं फ्रेश वाटर का मेजर सोर्स ये रिवर्स है. और इसीलिए आप सबके लिए जियोग्राफी के इस चैप्टर को समझना काफी ज्यादा जरूरी है. सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है इशिता. आइए आज हम सब मिलकर स्टार्ट करते हैं जियोग्राफी का चैप्टर ड्रेनेज. दोस्तों, एक एरिया के रिवर सिस्टम को हम ड्रेनेज कहते हैं. यहाँ पे रिवर सिस्टम का मतलब किसी एक रिवर से नहीं है. रिवर सिस्टम में मेन रिवर के साथ साथ उस रिवर की ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरीज भी आती हैं. ड्रेनेज के बाद मैं आपको ड्रेनेज बेसिन और वाटर डिवाइड का मतलब समझाना चाहती हूँ. फ्रेंड्स, जब भी बारिश होती है तब हम जानते हैं कि सबसे पहले पानी माउंटेन्स पर गिरता है. आप इस फिगर में देखिए, जब एक माउंटेन के ऊपर बारिश होगी तब पानी उस माउंटेन के राइट साइड भी गिरेगा और लेफ्ट साइड भी गिरेगा. अब दोस्तों, दोनों तरफ पानी के गिरने से कुछ स्ट्रीम्स बनेंगी, वो फिर जाकर ओशंस और लेक्स में मिल जाएंगी. फाइनली पानी माउंटेन एरिया से प्लेन्स में एंटर करेगा और फिर फाइनली जाकर समुद्र में मिल जाएगा. अब जो माउंटेन के लेफ्ट और राइट साइड का एरिया है उसे हम ड्रेनेज बेसिन्स कहते हैं. जो माउंटेन का टॉप एरिया है जो दो ड्रेनेज बेसिन को सेपरेट करता है उसे हम लोग वाटर डिवाइड कहते हैं. अब ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि बारिश का पानी खाली माउंटेन्स पर ही गिरता है. प्लेन्स में भी बारिश आती है, प्लेन्स में भी बारिश का पानी इकट्ठा होता है. तो फिर बारिश का इतना सारा पानी ये जाता कहाँ है? दोस्तों, प्लेन्स में भी वाटर डिवाइड और ड्रेनेज बेसिन होते हैं. मान लीजिए आपके रीजन में बारिश हो रही है तो वो बारिश का पानी ऐसा तो नहीं है कि किसी एक रिवर में जाकर मिलेगा. वो जितना भी पानी है वो उस रीजन के ड्रेनेज बेसिन में जाकर ड्रेन हो जाएगा और फिर फाइनली वो पानी जाकर समुद्र में मिल जाएगा. ये तो सिर्फ कुछ बेसिक बातें हैं, डिटेल में हम आने वाले लेक्चर से समझेंगे. स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम इंडिया के ड्रेनेज सिस्टम पर फोकस करेंगे. हम ये जानेंगे कि आखिर इंडिया में मेजर रिवर्स कौन सी हैं, ये रिवर्स कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, कैसे फ्लो करती हैं और फिर फाइनली जाकर कहाँ रुकती हैं. रिवर्स के अलावा हम लेक्स के बारे में भी जानेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर लेक्स और रिवर्स ह्यूमन लाइफ के लिए कैसे इम्पोर्टेंट है. ये चैप्टर काफी इंटरेस्टिंग और बहुत ही ईजी है. तो आइए ये डिस्कस करते हैं कि इस चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए हम कौन कौन से एरियाज को स्टडी करेंगे. इस चैप्टर को हम टोटल 8 लेक्चर्स में डिवाइड करेंगे. ये फर्स्ट लेक्चर है जो कि इंट्रोडक्टरी है. सेकेंड लेक्चर में हम लोग इंडिया के ड्रेनेज सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे. इस लेक्चर से हमें ये पता चलेगा कि आखिर इंडिया में मेजर रिवर्स कौन सी हैं. थर्ड लेक्चर होगा हिमालयन रिवर्स के बारे में. इस लेक्चर में हम लोग 3 रिवर सिस्टम्स के बारे में स्टडी करेंगे, इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम. फोर्थ लेक्चर में हम लोग पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में बात करेंगे. पेनिनसुलर रिवर्स के लेक्चर में स्टूडेंट्स आपको मेजर रिवर्स के बारे में तो पता चलेगा ही, साथ ही आप ये भी जान जाएंगे कि आखिर पेनिनसुलर रिवर्स के मेजर फीचर्स क्या हैं. फिफ्थ लेक्चर में हम लोग पहले तो ये समझेंगे कि आखिर लेक्स का मतलब क्या होता है और फिर ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर लेक्स ह्यूमन लाइफ के लिए कैसे इम्पोर्टेंट है. सिक्स्थ लेक्चर होगा रोल ऑफ रिवर्स इन द इकोनॉमी के बारे में, जिसमें हम ये जानेंगे कि आखिर इकोनॉमी के लिए रिवर्स क्यों जरूरी हैं. सेवन्थ लेक्चर होगा रिवर पोल्यूशन से रिलेटेड, जिसमें हम ये पता लगाएंगे कि अगर रिवर्स हम सबके लिए इतनी ज़्यादा ज़रूरी हैं तो फिर रिवर्स पोल्यूट क्यों होती हैं. एट्थ लेक्चर होगा दोस्तों रिविजन लेक्चर, जिसमें हम इस पूरे चैप्टर को शॉर्ट में डिस्कस करेंगे ताकि आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे. सो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सीरीज, लेट्स बिगिन द जर्नी. नेक्स्ट लेक्चर देखने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए. इस चैप्टर की प्लेलिस्ट देखने के लिए आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं. PuStack चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप इस सर्कल पर क्लिक कीजिए. इससे आपको हमारी वीडियोस की रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेंगी. थैंक यू फॉर वॉचिंग. सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर.